कभी बड़ी बीमारी हो जाए ना तो रोया मत करो, सोचा करो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ था, भगवान बुद्ध को भी अंत में भोजन में विष आ गया था, भगवान महावीर को पेचिस का रोग हो गया था, कितने संतों को बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। तो संत कभी मुरझाते हैं क्या? नहीं, होता है ऐसा भी। कभी भाइयों को शिकायत हो ना कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, बहन जी बहुत जिद्दी है, ऐसा मन में हो ना तो दुखी नहीं होना, बोलना भगवान शंकर की बात भी माता सती ने नहीं मानी थी, उनको बोला था माता सती को के मई के पता है ना आपको, तो भी गई और उधर क्या हुआ आपको पता है। तो मन को बोला करो भाई वो शिव जी की भी कभी कभी नहीं मानती, हमारी नहीं मानी तो क्या करना है, होता है ऐसा भी। और कभी बेटा बात नहीं माने ना, नहीं करूँगा जाओ, तो दुखी नहीं होना, ओ मेरा बेटा खराब हो गया। भगवान ने कार्तिकेय को कितना मनाया था लेकिन तो भी कार्तिक कई बार भगवान की बात नहीं माना। भगवान शिव जी को कभी आपने टेंशन में देखा है क्या? कभी नहीं, सदा आनंद में, बोले बाबा मस्त, क्योंकि ये मंत्र तृप्त है, होता है ऐसा भी, होता है, ये संसार है यहाँ सभी कुछ होता है। पति नहीं माने तो भी समझो क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारा शरीर है, हम चाहते हैं क्या बाल सफ़ेद हों? कोई भी चाहता है? फिर भी होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या हमारा शरीर हमारी बात मानता है? नहीं, इसके लिए तो हम पूरे दिन चलते हैं। तो बापूजी कहते हैं जब आपका शरीर ही आपकी बात नहीं मानता तो दूसरे नहीं माने तो इसमें दुखी होने का नहीं, मन में पक्का कर लो क्या कि जो बेटे हैं वो बहू की अमानत हैं, संभाल के रखो, बहू आएगी उसको दे देना। जो बेटा है वो बहू की अमानत है, जो बेटियां हैं वो जवाई की अमानत हैं, ये शरीर जो है वो शमशान की अमानत है, ये आत्मा जो है वो परमात्मा की अमानत है, और ये शिष्य जो है वो गुरु की अमानत है, और गुरु का ज्ञान समाज की अमानत है। पक्का कर लीजिए तो दुखी होंगे नहीं। मंत्र हो गया पक्का? बोलो, होता है ऐसा भी। राजा का बेटा चोर, चोर का बेटा ऐसा भी होता है। कोई बहुत अमीर होता है समय पाकर वो गरीब, कोई बड़ा गरीब होता है समय पाकर वो अमीर हो जाता है। यहाँ तो सब कुछ होता है, मार्च महीने में बरसात पड़ता है ऐसा भी होता है। दुखी नहीं होना, बस ये मंत्र गा ले।